सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूने सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर मधुवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अज्जा है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इत्थे काल नू समय नू दो हिस्सों दे च वंडिया है। चौपाई च भी ऐसा कहिंदे ने दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूपे जाप साहब दे च दुकालम प्रणासी दो काल दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते दो काल इस तरह वंडदे ने। आम जगत ते तीन काल मनदा है त्रै काल भूत भविष्य वर्तमान पर इत्थे जिहड़ी रूपरेखा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बयान कर रहे ने अकाल ते काल इसनों दो कालां च बयान पै करदे ने। संसार काल है या काल संसार है, निरंकार अकाल है अकाल निरंकार है। संसार का कोई भी काम करना है काल देच करना पड़ेगा, समय देच हर काम समय के मुताबिक होना। बीज बोना है समय के मुताबिक, बीज फली बहुत आंदा है समय के मुताबिक, फुल लगते ने समय के मुताबिक, फल लगते ने समय के मुताबिक। करीबन करीबन संसार काल है समा है। तो जब संसार समा है तो संसार का हर काम समय च आंदा है वक्त च आंदा है। दूसरा निरंकार अकाल है, समय की गल नहीं है, है ही नहीं समय की गल। बुनियादी नुक्ता दास आप जी के सामने रखन लगा, जिंदगी सारी कर्म कांड दे च ना लंघ जाए। संसार काल है, काल संसार है, काल समय नू कहिंदे ने। संसार समा है, समा संसार है। संसारी किसनू कहोगे जो हर वक्त समय च जीवदा है काल दे च रहिंदा है। फिर इस काल नू मनुख विभाजन करदा है दो हिस्सों च वंडदा है।
मेरा कुछ गुजरिया होया काल, मेरा कुछ आने वाला काल, मेरा कुछ गुजरिया होया समा, समा तो एको ही है, पर मेरा कुछ गुजरिया होया समा, समा तो एको ही है, पर मेरा कुछ आने वाला समा, कि जे मैं हट जावा तो समा तो एको ही है, ना भूतकाल है ना भविष्य है, मेरे करके मेरा भविष्य है, मैं नहीं तो भविष्य नहीं है, मेरे करके मेरा भूतकाल है, मैं नहीं तो कोई भूतकाल है। अगर कोई मनुख ना होवे तो भविष्य हो सकता है, भूतकाल हो सकता है, काल हो सकता है, भूतकाल नहीं, काल हो सकता है, भविष्य काल नहीं, काल हो सकता है, वर्तमान नहीं। मूल रूप दे काल दे दो भाग, मेरा कुछ गुजरे होया समा, मेरा कुछ आने वाला समा, पर मेरे करके काल दे दो रूप हो जाने। मैं हट जावा विचों तो काल तो है, भूतकाल नहीं है, काल तो है, भविष्य काल नहीं है। संसारी जो समय दे जीवद है, संसार जो समय ते खड़ा है, काल ते खड़ा है, चूंकि सारे दा सारा संसार समय समय ते खड़ा है, बिल्कुल एक एक सेकंड दी बकायदा गिनती है, ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे सब समय दी गति भी चल रहे हैं। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश, ये अनेका वेश जो प्रकृति धारण कर दी है, सब समय दा खेल, वक्त दा तमाशा, काल दा तमाशा। फिर काल दा एक अपना स्वभाव है, समय दा, समय विच जो बने है समा ही उसनों मिटा देंदा है, समा ही पुराना कर देंदा है। एक चीज पुरानी हो रही है, कौन उसनों पुराना कर रहा है? समा पुराना कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? एक बच्चा जवान हो गया है, इसनों जवान किसने कीता है? समय ने कीता है, काल ने कीता है। एक जवान बुढ़ा हो गया है, इन्हों बुढ़ा किसने कीता है? समय ने कीता है, काल ने कीता है। एक बुढ़ा ढेरी हो गया, मिट्टी हो गया, खत्म हो गया, इन्हों खत्म किसने कीता? काल ने, समय ने। समय दिच जो बनता है समा उसनों मिटा देता है, कुछ भी बनता है, जो कुछ भी इन्हों अखा नाल दिखाई दे रहा है ये सब समय च बने है, काल दे च बने है, और काल सबनों मिटा देगा। काल दा स्वभाव, समय च जो मिलता है समा खो लेंदा है, समय च जन्म मिले है समय ही जन्म खो लेंदा है, समय दिच जवानी मिली है समा ही जवानी खो लेंदा है, समय दिच बुढ़ेपा मिले है काल ही बुढ़ेपा नाश कर देंदा है। मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मैं फिर अर्ज करां, काल दा एक नाम मौत भी बन गया, हालांकि काल दा अर्थ केवल समय है, वक्त। वक्त दा नाम समय दा नाम मौत क्यों बन गया? इस वास्ते बन गया, समय दा ते एक रूप है जन्म, समय दा दूसरा रूप है मरण। समय दे जो मिलता है समा खो लेता है, कुछ भी मिले है। समा जन्म देता है, समा पुराना कर देता है, समा मिटा देता है। आखिर वक्त तो अंदाजा लग जाता है, ये 70 साल का मनुख हो गया, बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया, ओल्ड मैन।
तो 70 साल समय ने ही बुढ़ा कर दिता है ना, समय ने पुराना कर दिता है। समय दिच जो जमे है बने है, एक बिल्डिंग बनाई है समय दिच, समा हुण इसनों पुराना करेगा। जमीन दे उत्ते कितने मैल खंडर हो गए ने, बड़े बड़े किले नेस्तो नाबूद हो गए ने, बहुत सारे कीमती महल पुराने हो गए ने। ते हुण पुछी इसनों पुराना किसने कर दिता, समय ने। ते खंडर किसने बना दिता, समय ने। मिठा किसने दिता, समय ने। समय विच जो बनता है समा पुराना कर देता है और समा मिटा देता है। बनना मनुख नू कबूल है, मिटना नहीं। कुछ भी इसका मिटे ये इनू कबूल नहीं। नवा मनुख नू कबूल है, पुराना नहीं, पुराना नहीं। कई बुजुर्गों ने मेरे अगों गिला किया, पोतरे कोल ही नहीं बैठते, असी बुलाते रह जाते हैं, तरसते रह जाते हैं कोल बैठन गलबात करन। तो पता मैं उन्होंने की जवाब देना हूं, नवा पुराने कोल किवें बैठे। उन्होंने कोल नव तन है, नवा तन है, थोड़े कोल पुराना है। पुराना नहीं चंगा लगता। भावें बुढ़े कोल तजर्बा बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, समझ बड़ी है, पर की कीता जाए, पुराना है। पुराने नाल मन सहमत नहीं होता। कितना ये दादा पोतरे नाल ममता करे, डुल डुल के पवे, यकीन जानो पोतरे दे मन दे दादे वासे जगह नहीं बनती, नहीं बनती। इस चक्कर च ना पैना, पुराना है। पुराना तन, पुराना फैशन, पुराना कपड़ा, पुराना महल, कुछ भी काबले दीद नहीं रह जाता। नवा ही काबले दीद है, पुराना काबले दीद नहीं। पर समय दिच जो बने हैं, समा सबनों पुराना कर देंदा है। सिर्फ पुराना ही नहीं, समा मिटा देंदा है, काल मिटा देंदा है। तन काल दिच बने हैं, तन समय दिच बने हैं, तन नू समा मिटा देगा। ए तन चाहे गुरु पीर पैगंबर दा होवे, इस वास्ते गुरमत दिच गुरु तन नू नहीं मनिया। तन नू ते काल खा जांदा है, तन नू ते काल मिटा देगा, तन नू ते समा पुराना कर देगा। फिर गुरु पुराना हो गया, तन नू ते समा मिटा देगा, फिर गुरु मिट गया, गल खत्म। और लब्भो, फिर होर लब्भो। परमात्मा नू कहिंदे ने अकाल, अकाल हैं, अजाल हैं। हे प्रभु, काल दा जाल तेरे ते नहीं है। गुरु गोविंद सिंह, चूंके समय ने तैनू बनाया नहीं, इस वास्ते समा तैनू पुराना भी नहीं कर सकता। परमात्मा कदी पुराना नहीं आता। जो समय दिच बने है वह पुराना आता है, ते जिन्हें समय नू बनाया है, जिन्हों काल ने नहीं बनाया, जिसने काल नू बनाया है, वह पुराना नहीं आता। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दाता। समय दे जो बने है पुराना हो जाता है, सिर्फ पुराना ही नहीं मिट जाता है। परमात्मा अकाल, समय दे नहीं बनया, समा उसनों पुराना भी नहीं कर सकता, समा उसनों मिटा ही नहीं सकता, बनया ही नहीं समय दे। तन समय दे बनया, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश का ही क्यों नहीं। काल पाए ब्रह्मा बबदरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमस। किथे ब्रह्मे दा तन ऐसी, शिवजी दा तन किथे गया ऐसी कल। कुछ समा ते पहले विष्णु दा तन है सी, अज नहीं है। इस वास्ते अगर इस तरह के मनुखां की पूजा है तो उन्हां दे तन करके नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें, बदकिस्मती है
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਲੇਖ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਪ, ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾਰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ 8 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ 1-2 ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਸੁਣ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਤੋ ਭੀੜ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਾਕਤ ਵੀ ਭੀੜ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਭੀੜ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੀੜ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭੀੜ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਨਾਰਸ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਛੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਇਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਇਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ,
समा उसके अनुकूल हो गया। जिस किसी बूटे के अनुकूल समा आता है उन्होंने फुल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। तो जे किसी दरख्त को फुल नहीं लग रहे, फल नहीं लग रहे, तो कहना पैंदा जे समा अनुकूल नहीं। समा आंदा, समा आंदा, हर गल समय नाल आउंदी है, हर खेड समय नाल आउंदी है। समय ने दरख्त को फलीभूत किया है, फुल लगे ने। समय ने दरख्त को फलों नाल लद दिता है। कोई मनुख सत्ताधारी बन गया, कोई चोटी का धनवान बन गया, समय ने बना दिता। अनुकूल से समा उसके अनुकूल से। अगर समा प्रतिकूल होवे ना कोई साइंटिस्ट बन सकता, ना कोई इंजीनियर बन सकता, ना कोई धनवान बन सकता है। समय का अनुकूल होना बड़ा लाजमी है। काल का अनुकूल होना काल की सफलता प्राप्त करने वास्ते लाजमी है। एक आलम तो ऐसा कहता है जिन्हां दे अनुकूल समा नहीं आउंदा, वो फिर किस तरह रह जांदे ने। वो कहता है ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजे महल होते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्ते उजल होते हैं। इस तरह के भी कमल दे बूटे सन नहीं खिल सके, समा अनुकूल नहीं सी, नहीं खिड़ सके, नहीं मैक लुटा सके, नहीं स्वप्न खिलार सके। इहदा ये मतलब नहीं कि उन्हां च स्वप्न नहीं सी, स्वप्न पैदा हो सके, समा अनुकूल नहीं सी। फली बहुत हो सकन, समय ने साथ नहीं दिता, वक्त ने साथ नहीं दिता। दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्ते उजल होते हैं, ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजे महल होते हैं। समा अनुकूल से शाहजहां ने जमीन ते ताजमहल खड़ा कर दिता। जिन्हां विचारियां दे अनुकूल समा नहीं आता, ताजमहल दिमाग दे च रह जाने ना, और की है। ऐसा तो कोई मनुख नहीं जिहदे अंदर अरमाना दे ताजमहल ना होवन। हर मनुख अरमान लई बैठा है, और हर मनुख का अरमान ताजमहल तो घट नहीं है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। एक दे समा अनुकूल होया, उसने अपने अरमान नू जमीन ते उजागर कर दिता। एक दे समा अनुकूल नहीं होया, अरमान अंदर दे अंदर ही रह गए। हर बीज दे विच फुल होने की समर्था है, उन्हों अनुकूल धरती मिल जाए, अनुकूल पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, मौसम मिल जाए, नहीं तो बीज बीज ही रह जाता है। यह भी मैं अर्ज कर लिया। समय का अनुकूल होना बड़ा लाजमी है। रुत्ती हो रुत होए, नहीं तो बीज प्रफुल्लित नहीं हो सकता, फलीभूत नहीं हो सकता, अपना स्वप्न खिलेर नहीं सकता। दूसरा नुकता जो मैं बयान कर रहा, ध्यान नाल सुनना, जो समय दे बनया है, जिन्हों समा बना देंदा है अनुकूल होके, समा ही प्रतिकूल होके उसनों मिटा देंदा है। समा अनुकूल होया सी, एक राजनीतिक सिंघासन ते बैठ गया, वाह वाह, समा प्रतिकूल हो गया, सिंघासन तो तले आ गया, हुण कोई पुछदा ही नहीं, जिवें गऊशाले दी गऊ नूं नहीं पुछदा कोई। इस तरह हो गया, तुसी देख सकते हो सारी दुनिया। समा अनुकूल होया सिंघासन ते है, समा प्रतिकूल हो गया थले। समय का एक अपना स्वभाव है कि ऊचंग त नीचंग नाना समोचंग, गुरु अर्जन देव जी मां, ऊंचा चढ़े सो जाए प्याला, धरण पले तिस लगे न काला। महाराज कहते समय का एक नियम है, जिहड़ी चीज उपर उठ रही है थले आएगी, आएगी, सदी भी उपर नहीं जा सकते। अगर एक जवान हो रहा है, बढ़ रहा है, घटेगा, मिटेगा, सदी भी कोई उपर नहीं उठता। एक शिखर ते पहुँच के सूरज नू भी घटना पैंदा है, सूरज नू भी मिटना पैंदा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग, सूरज घट रहा है
मिट जाएगा। समय की सारी चाल तो सूरज करके चल रही है ना, सूरज एक हो रुत अनेक, नाने करते के केते वेस। इस सारी समय की गरज तो सूरज करके, कि सूरज भी एक शिखर ते पहुँच के घट जाता है, तो घट के एक दिन मिट जाता है, खत्म हो जाता है। जिस सूरज दे थले असी जी रहे हैं, अजोके साइंटिस्ट कह रहे ने बुढ़ा है, ये अपनी जवानी हंडा बैठा है। एक सैकंड दे 40 लाख टन वजन सूरज का घट रहा है, मिट जाएगा एक दिन। गुरु अर्जन देव जी महाराज आप कह रहे हैं, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस नखत्र गगनं। ये रवि ससी घट रहे हैं, मिट जाएंगे एक दिन। समय दे जो जमदा है, बनता है, वधदा है, फिर समा उसनू घटांदा है। सिर्फ घटांदा ही नहीं, समा मिटा देंदा है, समा मिटा देंदा है। संसार समा है, संसार काल है, निरंकार जिहदा कोई आकार नहीं वो अकाल है। समय दे च नहीं बने, आकार समय दे च बने। असी कह सकते हैं कुछ अरसा पहले जमीन भी नहीं सी, अरबद नरबद धुंदू गारा, महाराज कहते धुंद ही धुंद सी ये जमीन नहीं सी। अरबद नरबद धुंदू गारा धरन न गगना हुक्म अपारा, ये आसमान भी नहीं सी, सूरज चंद तारे नहीं सन, ये जमीन भी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज, अरबद नरबद धुंदू गारा धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुने सुन रहा है। सनाटा से आकार रहत निराकार से समा नहीं सी, समा ते आकार दोवें कट्ठे चलते हैं, कट्ठे चलते हैं। आकार काल है, काल आकार है। वो जो निराकार है जिहदा आकार ही नहीं, अकाल है, वो समय दे च बनिया नहीं, इस वास्ते समा उसनों मिटा नहीं सकता। काल का काल, वो काल दा भी काल है, महाकाल है। महाकाल काल का आराधि, वो महाकाल है। किसका महाकाल है? काल का। जो काल दा महाकाल है, जो काल नू भी नाश कर देता है। तैं हम अधिक तपस्या साधी, मैं बड़ी तपस्या की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं महाकाल, उस महाकाल की आराधना की थी। किस दे? काल का। जो काल का भी महाकाल है, जो काल नू भी नाश कर देता है, जो समय नू भी नाश कर देता है। समा सब कुछ नू नाश कर देता है, कुछ भी बने। तुसी अखां नाल जो कुछ भी देखते पे हो, एक दिन समय ने मिटा देना है, नहीं रहेगा। जो समय दे च बने हैं, समा मिटा देता है, समा नाश कर देता है। ये काल का तमाशा है, काल बनाता है, काल मिटा देता है। वो जो परमात्मा है, महाराज कहते हैं वो महाकाल है, वो तो काल नू भी मिटा देता है। काल संसार नू मिटा देता है, निरंकार काल नू भी मिटा देता है। फिर निरंकार आप ही होता है, बैठा वेखे वक अकेला, फिर कल्ला ही, फिर कुछ भी नहीं, आकार तो रहत। वो जो आकार तो रहत है, वो अकाल है। हुण दूसरा नुकता बड़े ध्यान नाल सुनना, तन काल का हिस्सा है, कितना भी संभाल के रखिए काल खा जाएगा, खा जाएगा। कितना चिकना चुपड़ा रखिए इसनों, कितना संभाल के रखिए। महाराज की बाणी कहती है, अनक जतन कर ए तन राखो रहे अवस्था पूरे। कितना भी संभाल के रखो, कितने ही मकान ते लीपा पूछी कर दे जा, साल दे साल कई महलों के उत्ते रंग रोगन होते हैं, बड़ा कुछ, फिर भी खंडर बन गए, हो गए खंडर। जो समय च बने हैं, समा मिटा देगा। कितने भी कुश्ते खा लो, कुश्ते बनाने वाले वैद ही नहीं रहते, तो कुश्ते खिलाने वाले जो है जिन्हें जे खाते पैन वो कितने रहेंगे? जोड़े कुश्ते बनाते ना, मैं तो उन्होंने वैदा भी मिटने हुए देखिए, खत्म हो गए, खत्म हो गए।
जिहड़े कुछ ते बनांदे ने ओही नहीं रहिंदे ते खाण वाले कित्थों रहिणगे। अनेक जतन कर ए तन राखो रहे अवस्था पूरे। ये समय विच बने समा मिटा देगा, खत्म कर देगा। तन काल का हिस्सा है, काल तन नू मिटा देगा। मन अकाल का हिस्सा है, काल का हिस्सा नहीं है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इति जोत स्वरूप है। कहो कबीर ए राम की अंश, जसका गद पर मिटे न। इति राम दी अंश है। इति जोत स्वरूप है। तन काल का हिस्सा है, ते मन तन दी संगत करके काल दे भटकता है। बड़े ध्यान नाल सुनना। मन है ते अकाल दा रूप, उदी अंश है, जिवें किरण सूरज दी अंश है। मन परमात्मा दी अंश है, अकाल दी अंश है। पर कीता की जाए, जिहड़ा तन काल दे बने है, इहदी संगत कर करके मन फिर काल दे भटकता है। धर्म दी साधना है, कथा कीर्तन पता की है, मन नूं काल दे चों कढ के अकाल नाल जोड़ना। ऐनी गल है। बुलिया रब दा की पाणा, इधरों पुटना इधरों लाणा। इधरों पुटना की है, काल दे चों पुटना है, अकाल नाल जोड़ना। ऐनी गल है। इतना सौखा कम बड़ा औखा होया पिया है। काल दे चों मन निकलदा ही नहीं। हुण बैठे ना आप संगत दे च, इतनी गल मैनु कहण देना, हर एक दा मन इस वक्त काल दे चोवेगा, काल दे च। ते काल दे असी दो भाग कर लैने आ, या ते गुजरे हुए समय दियां यादां दे च मन भटकदा है, या फिर आने वाले समय दी चिंता दे च मन भटकदा है। तो मैनु कहण देना, या ते तुसी चिंता च बैठे होवोगे, या गुजरे हुए समय दियां यादां च बैठे होवोगे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर मन काल दे चो निकल जाए, समाधि लीन हो जाता है, वो रब दा रूप हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहिंदे ने ते संत हो गए, ते रब दा रूप हो गए। ये संसार दा रूप है, क्यों? समय दे च भटक रहे। ये गुजरे हुए समय दियां यादां दे च, गुजरे हुए समय दियां यादां बहुत खिचदियां ने। क्यों? गुजरे हुए समय दे च कुछ मिलिया सी, ते मिल के बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है, याद आउंदी। फिर जो मिलिया से बिछड़ गया, समा खो लैंदा, नहीं रहिंदा। समा उसनू खो लैंदा, तो बड़ी चोट लगी, दुख होया, तो दुख याद आउंदा। यादां दे च की आउंदा? बगौर मुताला करना, या बंदा सुख नू याद करदा पिया आउंदा, या दुख नू। बंदे दा चेहरा दस देंदा है, ये हुण सुखां दी याद दे च बैठा है। बंदे दी अखां दस देंदियां ने, ये हुण दुखां नू याद पिया करदा है। साफ दिस पैंदा है, दुख दी छाप चेहरे ते प्रगट होण लग पैंदी है, सुख दी छाप चेहरे ते प्रगट होण लग पैंदी है। मन भावदा कुछ समय दे च मिलिया सी, मिल के बड़ी खुशी होई सी, याद आउंदी है, फिर बिछड़ गया। कुछ भी मिलता है चला जाता है। जैसे बुढ़े दस बैठे हो, जवानी नू याद कर दें, जवानी मिली सी, याद आउंदी, हुण चली गई, उहदा दुख याद आउंदा, पीड़ा याद आउंदी है। कदी बुढ़े मनुख बुढ़ेपे की गल नहीं करते, जवानी की गल करनगे। असी 2 रुपए का किलो घ्यो लैंदे हुंदे सी जी, 3 रुपए दे मन पूरी कणक दी लैंदे हुंदे सी, छालां मार के भजदे हुंदे सी। ओ छड तू हुण की है, हुण दी गल कर। हुण दी गल नहीं कर। पता है गुरबाणी की कहती है? अगां कू तरां अगे वेख, अगां कू तरां पिछा फेर ना मोड़ा। पिछे ते मुड़ के देख ही ना जवानी नू, अगे वेख मौत नू वेख। अगां कू तरां पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवे जन्मड़ा। अद की जे तू संभाल कर रही, फिर जन्म नहीं होवेगा, फिर समय च नहीं भटकेगा, फिर काल दे च नहीं भटकेगा। बाबा फरीद भी कहते हैं,
देख फरीदा जेठिया दाड़ी होई पहूर अग्गा नेड़ा आया पिछा रेया दूर। बचपना ते बहुत दूर रह गया, जवानी ते बहुत दूर रह गई, हुण ते तू मौत दी गल कर। पैर ते तेरा कबर दे कोल पे है, एक पैर ते तेरा शमशान घाट ते पहुंची गया, तू हुण शमशान दी गल कर। छड़ जवानी दी गल, छड़ बचपन दी गल, मुश्किल है। भावे मेरा दाड़ा चिट्टा है, मैं उम्र रसीदा हो गया, मैं सैकड़े बुढ़िया को बैठ के देखे कम वक्त जवानी दिया ही गल्ला कर दे, बुढ़ापे दी नहीं नहीं कर रहे, बचपन दिया गल्ला कर दे। और ये बुढ़े भी बच्चियां कोल पोतरियां कोल बैठ के खुश होंदे ने, बुढ़िया कोल बैठ के खुश भी नहीं होंदे। ऐ भी मैं देखे, ऐसा भी मैं देखे, पिछे वेख पिछे। जब कोई बुजुर्ग मैनू इस तरह कहिंदा है दुखी होके रोंदे होया, पोतरे कोल बैठदे ही नहीं, मैं कह छड़ पोतरियां दी गल, तू हुण गुरु कोल बैठण दी कोशिश कर, गुरु तेरे नालों अगे है। किहड़े चक्करां विच तू पै गया, किहड़े निकम्मियां विचारां विच तू पै गया। अगां कू तरां पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज इह वार बौड़ ना होवी जनमरा। तन काल है समय दे च बने है, काल ने तन नू मिटा देना है, काल ने सब कुछ मिटा देना है, सब कुछ मिटा देना। मन तन दी संगत करके मन भी काल दे च भटकदा है, जबकि मन है अकाल दा हिस्सा और काल मन नू मिटा नहीं सकदा। बड़े ध्यान नाल सुनना इन्हां नुक्तियां नू, काल तन नू मिटा सकदा है मन नू नहीं। अगर तन दे मिटदे हाँ मन भी मिट गया तो हंकार मिट गया, हंकार ते मन दे चौंदा है, लोभ मन दे चौंदा है, वासना मन दे चौंदी है। अगर तन दा मिटना ही वासना दा मिटना है, फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं, जप तप करन दी लोड़ नहीं। एक दिन मिटांगे तो हंकार भी मिट जाएगा, एक दिन मिटांगे तो वासना भी मिट जाएगी। कतई नहीं, असी मिट जांदे हाँ, तन मिट जांदा, वासना नहीं मिटदी, वासना अगला जन्म करा देंदी है। वासना ते मन दे च है, हंकार नहीं मिटदा। हों में एहा जात है, हों में कर्म कमाए, हों में एही बंदना फिर फिर जो नहीं पाए। तन बुढ़ा हो गया है, मिट गया है, हंकार ते जवान सी, अगला जन्म फिर करा देता है। मन नू फिर नवा चोला मिल गया, नवा शरीर मिल गया। तन बुढ़ा हो गया है, मिट गया है, वासना ते जवान सी, उन्हें नवा चोला पहना देता है, नवा जन्म करा देता है, फिर जन्म हो गया। वासना बुढ़ी नहीं आउंदी, हंकार बुढ़ा नहीं आउंदा, मन बुढ़ा नहीं आउंदा, तन बुढ़ा आउंदा है, तन मिट जांदा है, चूंकि बुढ़ा आउंदा है मिट जांदा है, मन बुढ़ा ही नहीं आउंदा, मन मिटदा ही नहीं। क्यों? तन काल दे च बनया है, काल मिटा देंदा है, मन अकाल दा हिस्सा है, काल उसनू मिटा नहीं सकता। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन दा ए बार बार शरीर दा साथ उतने चिर तक जारी रहेगा जितने चिर तक ये काल देच भटकदा पै। ते काल देच क्यों चला जाता है, मैं फिर अर्ज करा, गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय की चिंता। दुकान ते बैठे हैं, दुकान ते समय अनुसार जद खोली है, समय दे मुताबिक चलानी पैगी, समय दे मुताबिक वधानी पैगी, बंद करनी पैगी। वो खेड़ सारा समय दा है, कोई गल नहीं, पर जब हाथ दे गुटका है तो वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, हुण मन नू काल दे चों कढ लै, समय दे चों कढ लै। ये गल बंदे नू नहीं आई, तो मैनू कहण देना, बार बार मैं माफ़ी भी मंग लवां, बड़ा मूर्खता चल रही है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। मूल संदेश तो इतना सी, गुरुद्वारे च बैठे हैं हुण मन नू काल चो कढ के अकाल नाल जोड़, नमाज पढ़ रहे हैं मन नू काल चो कढ के अकाल नाल जोड़, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर दे च मन नू काल दे चों कढ के अकाल नाल जोड़, दुकान ते बैठे हैं हुण मन नू फिर काल दे चले आ, परिवार दे च बैठे हैं फिर काल दे चले आ। परिवार दे कम संसार दे कम समय दे मुताबिक होणगे, कोई गल नहीं, मन नू काल दे च लै जा। ये बाणी ते अकाल दी है,
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ। ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਦੌੜਦਾ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਵਰਤਮਾਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਓਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਲੰਘੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਦਮ ਛੋੜ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਨੇ ਛੱਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਦਮ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਖੁਦਾ, ਇਸੇ ਵਕਤ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਲੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ, ਇੱਕਦਮ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਫੋਕੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਭ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ। ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 5 ਦਫ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੋ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਯਾਦਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਅਨਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਮਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਛਕਦਿਆਂ ਦਾੜ ਗਿਰ ਗਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾੜ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾੜਾਂ ਗਿਰਨਗੀਆਂ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੰਦ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾ ਕਰ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਅਨਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਪਰੇ ਸੁਣ। ਜਿਤਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने ने, ये जप तप बने है, कथा कीर्तन बने है, ध्यान साधना बनी है, योग साधना बनी है, कितने तरह के अडंबर ने, सिर्फ इस वास्ते कि मन नु काल चो कढ के अकाल नाल जोड़ना है। ना गुजरे हुए समय दियां यादां, ना आने वाले समय की चिंता। जद कदी इस तरह की कथा चले, पंजाबी दे संत शायर भाई साहब भाई वीर सिंह जी का एक बोल चेते आ जाता है। वो कहिंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे, जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने, ते जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनूं जला रही है। या ते मनुख खादा जा रहा है या जलाया जा रहा है, कबर दे च मुरदियां नूं कीड़े खांदे ने, चिता उत्ते अग जलांदी है, या ते बंदा कबर दे च पिया या चिता दे पिया, होर किधरे भी नहीं है। हर वक्त मनुख या ते कबर दे च है या चिता दे पिया है, या खादा जा रहा है या जलाया जा रहा है, गुजरे हुए समय दियां यादां इसनूं खा रही ने, या आने वाले समय की चिंता इसनूं जला रही है। हर वक्त चिता ते पिया, हर वक्त कबर दे च पिया, तन कबर दे च चला गया, कोई गल नहीं जाना है, तन चिता ते चला गया, इत जाएगा, पर बदकिस्मती तन की संगत करके अजे तन ते चिता ते नहीं गया, मन ते चिता ते चला गया। तन ते कबर दे च अजे नहीं गया, मौजूद है, पर मन ते कबर दे च गुजरे हुए समय दिए यादां दे कीड़े इसनूं खा रहे ने, आण वाले समय दी चिंता दी अग इसनूं जला रही है। इहदे उत्ते कदी मैं दो रवाइयां लिखियां सन, एक उर्दू दे च एक पंजाबी च, तुहानूं सुणावां। बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, ये जो भाई साहब भाई वीर सिंह कहिंदे ने, इसे नूं मैं आधार बनाया। बीते हुए समय नूं उर्दू फारसी च माजी कहिंदे ने, आने वाले समय नूं मुस्तकबिल कहिंदे ने, ते जिहड़ा हुण समय जिहदे जी रहे हां एकदम, इहनूं हाल कहिंदे ने, हाल। ईरानी पुछदे ने, शुमा हाल च हस, तेरा हाल की है? ते उह अज दे च ना होवे, गुजरे हुए समय दियां यादां च होवे, आने वाले समय की चिंता च होवे, तो कह देंदे ने, इह बेहाल हस्त, इह बेहाल हस्त, इह बंदा बेहाल है, बिल्कुल बेहाल है। असी जो हाल दे अर्थ करदे हां, उह नहीं ने। तेरा की हाल चाल है? तेरा वर्तमान की है? तू हुण अपने विच जी रहा है कि नहीं, कि हर वक्त गुजरे हुए यादां च है, हर वक्त आने वाले समय की चिंता च है, हर वक्त बोझ सिर ते चुके होया है, हाल दे च है कि नहीं? शुमा हाल च अस। इसनूं मैं इंज रूप दिता है, कुछ माजी की हाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान हुण इहदे च नहीं आ, मैं तो गुजरे हुए समय च जी रहा जो है ही कोई नहीं, कल्पना च जी रहा, मैं तो आन वाले समय च जी रहा जो मेरे को है ही नहीं। हर वक्त मनुख कल्पना चाहता है, कल्पना चाहता है। इनू मैं पंजाबी रूप इंज दिता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां, माजी दियां यादां बस सागर दियां छलां, भविष्य दी चिंता बस गलना ही गलना, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिला ते अजे ही मिला, जिंदगी अज दे च है, किधरे मन अज दे च आ जाए ते अज की है, एकदम वाहिगुरु मंत्र एकदम दे च उचारण होंदा है, एक दफा वाहिगुरु आखदिया मनुख वाहिगुरु दा रूप हो सकता है। इतना सस्ता कम है, इतना सौखा कम है, पता नहीं कितनियां जिंदगियां लग जांदियां ने। एक चोटी दा धनवान बनना औखा है, यकीन जानो भगत बनना सौखा है। एक चोटी दा इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना औखा है, भगत बनना तो एकदम दे च है, एकदम दे च। बस मन नूं गुजरे हुए समय चो कढ़ीए, आन वाले समय चो कढ़ीए, अकाल नाल जोड़ दे। परमात्मा अकाल है, समय दे च नहीं बनया,
संसार समा है, पर संसार दी पकड़ मन नू ऐसी है, रहिंदा ही संसार दे च है। मन संसारी है तो संसारी तो मुराद काल दे च रहिंदा है। इनू परमात्मा नाल जोड़ना है, परमात्मा अकाल। इहदे वास्ते की करना पएगा, पहले अपने नेड़े आना पएगा। बोलन लग्या मनुख दूजे दे नेड़े आउंदा है, सुनन लग्या मनुख अपने नेड़े आउंदा है। गौर मुताला करना, जो अपने नेड़े नहीं है सुन नहीं सकेगा, तो जो दूजियां दे नेड़े गए गया ही नहीं, दूजे नू सुना नहीं सकेगा। एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। धर्म दी मूल साधना उस दिन शुरू होंदी जद मनुख अपने नेड़े आंदा है, ते अपने नेड़े आएगा सुन के। जो कुछ बाणी उच्चारण कर रहे इसनू सुने, गावीए सुनिए, मन रखिए सुने। सुनन नाल मनुख अपने नेड़े आंदा है, ते जद अपने नेड़े आया तां ही अपने अंदर प्रवेश भी कर सकेगा, वरना खेड बड़ी औखी है, कठिन है। ना समझी करके मनुख सारी जिंदगी बाहर भटकदा रहिंदा है, उस डेरे उस डेरे, उस तीरथ। लेकिन एक महान तीरथ जो प्रभु ने सानू दिता है, इहदे नेड़े कदी आउंदा नहीं, इशनान कदी करदा नहीं। एक छोटी जिही गाथा कह के मैं समाप्ति करा। प्राचीन जमाना इस्लामी जगत विच मीरां दी तरह होई एक राबिया। ये दो वक्त घर विच कुरान दी तलावत करदी सी, पाठ करदी सी, सरोते आके बैठदे सन, क्योंकि वजद विच पाठ करदी सी, अपना मन पूरा जोड़ देंदी सी, पाठ दा रूप हो जांदी सी, ते वो पाठ अकाल दा हिस्सा बन जांदा सी। समय तो बाहर उन्हों सुन के भी कईयां नू आनंद आंदा सी। सवेरे शाम स्रोतियां दा इकट्ठ होण लग पिया। इन्हां स्रोतियां दे चों एक फकीर भी सी, हसन। एक दिन यही राबिया बार चौक दे च मशाल दी रोशनी च कुछ लभ रही है, संध्या दे वक्त। हसन फकीर आ रहा है कुरान सुनन वास्ते, पर की देखदा है, जिहदे कोल कुरान सुननी है वो तो कुछ लभदी पई है। नेड़े आके हसन कहिंदा, राबिया की लभ रही है, की खो गया है? फकीरा, सोई खो गई है। सोई किथे खो गई है? घर दे च खो गई है, घर दे कमरे च खोई है। खिड़खिड़ा के हसन हस पिया, कहिंदा शक ते मैनू कई दिनां दा सी, तू पागल है। जिस ढंग नाल तू कुरान दी तलावत पढ़दी सी मस्त होके, मैनू लगदा सी पागलपणे दी झलक तेरे चेहरे ते हुंदी सी। पर अज ते गल पक्की हो गई, जे घर दे च सोई गुम होई है ते बाहर क्यों लभदी पई है? घर दे च लभ। पता की आखे हसन, की करां, घर दे च हनेरा है, घर दे च हनेरा है, बाहर चानना है। हसन कहिंदा जिथे चानना है उथे सोई कोई नहीं, जिथे सोई है उथे अंधेरा है, ते तू अकल तो कम क्यों नहीं रहिंदी, उथे चानना कर ले, दीवा जला ले। ते राबिया कहिंदी कमबख्त तैनूं मुद्दतां हो गईआं समझांदिआं होइआं, अपने हिरदे दा दीवा जला ले, किथे बार भटकदा फिरेगा, क्यों जगह जगह धक्के खांदा है? हिरदे दा दीवा जल जांदा है। पोथी पुराण कमाईए, भौ वट्टी इत तिन लाईए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा इउं जले, कर चानण साहिब तौ मिले, विश्वास दा तेल अपने दीवे दे च पा, प्रेम दी वट ला, ते फिर जप दी अग नाल इस नूं रोशन कर दे। ज्यों वाहिगुरू तू आखेगा हिरदा रोशन हो जाए, चानना ही चानना हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। मैं पंज दफा कहना ते तुसी कहना, ते वाकई थोड़ा मन प्रेरिया गया, ते कल सवेरे तो उठ के करना। अमृत वेले, गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। इन्नी बरकत है, कमाल दी गल। कबीर कहिंदे ने, किसे दा धन लुटिए, समाज है, कानून है, पुलिस है, अगला चोर कहेगा, डकैत कहेगा, पर रब ते सरे आम खड़ा है, कहिंदा मैनू लुट लो,
ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੋਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੋਟ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੋਟ, ਫਿਰ ਪਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੋਟ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਧਨ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਰੱਬ ਐਨ ਸਰੇ ਆਮ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗਾਲਣਾ ਉਸਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਕਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਨ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗਲਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਧੁਨ ਅਲਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੁਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ, ਇਹ 8-9 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਬੱਚੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹਰੀਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਥਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਭਜਨ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
लंगर मिल जाएगा सारिआं नूं, कोई ऐसी गल नहीं है। और थोड़ी जिहा भजन की कशिश अपने अंदर पैदा करो, इन्हां दो जथियां नूं लाजमी आप जो है बैठ के सरवण करो। सारिआं दा धन्नवाद। रात नूं दास 8 बजे आरंभ करेगा, 9 बजे समाप्ति। उस तों बाद ये जथे एक एक शब्द आप जी दे सामने जो है रखणगे। उम्मीद है आप बाकी प्रोग्रामां विच इस तरीके नाल हाजिरी भरोगे। प्रबंधक सज्जणां दे चरणां 'च बेनती, क्योंकि पिछले साल दा मैं देख रहा जो लंगर खुल जाता है फिर सारी सिलसिला जो है गड़बड़ हो जाता है। एक अद्धे घंटे वास्ते प्रबंधक सज्जण होर वेट कर लेने, इस तो बाद समाप्ति है, फिर खुला लंगर खोले। इत्थे भी जगह है, उपर भी जगह है, जगह काफ़ी है, आराम नाल जो है सारे छक सकते हैं। बुल चुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा।